स्वागत है आप सभी का और एक फ्रेश वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अहमद और आप देख रहे हैं साउंड्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में रहेगा SSA 250M और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ओवरलोड का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हैं पावर ऑन करते ही MCB बाहर आ जाती है, जो इसका रीसेट स्विच है, मिनी सर्किट ब्रेकर और सेट ओवरलोड हो जाता है। तो आज की वीडियो में इसी का सॉल्यूशन जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होने से या फिर ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए तब आती है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहले एम्पलीफायर को खोल लेते हैं। ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकली है ये ब्लू वायर में निकली है 024, जो ब्रिज रेक्टिफायर पे गई है और ब्रिज देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बाकी चेक करके पता चलेगा। जहाँ तक उम्मीद है ब्रिज ठीक है, क्योंकि मुझे जो शक है इसके ट्रांजिस्टर पर शक है। ट्रांजिस्टर अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ एक ट्रांजिस्टर लोकल है और बाकी के दो ट्रांजिस्टर ओरिजिनल है, वैसा ही दूसरी साइड में है। किसी मैकेनिक ने पहले रिपेयर किया है तो उसने ऐसा कर दिया है। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रांजिस्टर ओरिजिनल ही डालने चाहिए हमेशा। बेल का 3773 इसमें आता है। ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये इसका ओरिजिनल है, जो आहूजा ने डाल के दिया था, मतलब 7 का ही ट्रांजिस्टर है। और ये नीचे RFT 3055 जो क्या 8-9 रुपये ट्रांजिस्टर है, बहुत बेकार ट्रांजिस्टर है। दूसरी साइड का ट्रांजिस्टर देख लीजिए, दूसरी साइड में भी कुछ ऐसा ही है। ये दोनों इसके ओरिजिनल हैं और एक ट्रांजिस्टर इसमें लोकल है जिसका क्या नंबर घिस गया है। और इसी हालत में इसको पावर देते हैं, देखो क्या पोजीशन है इसकी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेट ऑन नहीं हो रहा है। पहले राइट साइड के ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, ईमीटर और बेस दोनों वायर छुटाकर चेक करने हैं। अगर आपसे ट्रांजिस्टर चेक करना नहीं आता है तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ट्रांजिस्टर चेक करके दिखाया है किस तरीके से ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं डिजिटल मीटर से। और आप एनालॉग मीटर से चेक करना चाहें एनालॉग से भी कर सकते हैं। ये नया ट्रांजिस्टर है जो लगाना है और ये दोनों ख़राब हैं जो इसमें से निकाले गए हैं। इसमें से पांच ट्रांजिस्टर ख़राब निकले हैं जो कि मैंने 6 के 6 बदल दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 0 रीडिंग है और दूसरी साइड से 500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए, 509-10 है और कलेक्टर पर भी 495-96 के आसपास है। तो ये ट्रांजिस्टर सही है और जो आपका ख़राब है उसे देख लीजिए, ये 0 है और कलेक्टर साइड में इसकी रीडिंग आ रही है करीब 460 के आसपास। और ये तीसरा है ये भी ख़राब है, इसकी जो रीडिंग है वो लगभग है 2323 है और कलेक्टर पर भी लगभग 2-3 है। आपका सही ट्रांसफर होगा वो लगभग 500 के आसपास रीडिंग देगा, 3773। और ये एम्पलीफायर में लगा हुआ है, इसको भी देख लीजिए एक बार, इसकी जो रीडिंग है वो कितनी आती है, 4 से 5 रीडिंग आ रही है और कलेक्टर पर भी 4 से 5 रीडिंग आ रही है। सेम वैसे ही अगला भी ट्रांजिस्टर भी चेक करना है, यानी सारे ही चेक करने हैं ट्रांजिस्टर। दो 6 ट्रांजिस्टर में नए डाल दिए हैं, 3 इस साइड के और 3 दूसरी साइड के। और क्वालिटी कैसी है आप हेडफोन में सुन सकते हैं, ज़्यादा बेहतर सुनने के लिए हेडफोन यूज़ करें,
क्वालिटी एकदम नए जैसी हो गई है, जैसे नया बोलता था। हरी जी, हरी हरी।